नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। ये योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता व प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। आज विजयदशमी के पावन अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो चलिए ट्वीट के जरिए देखते हैं मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। एक्स ऐप पर मुख्यमंत्री ने लिखा है, सत्य की शाश्वतता, शक्ति एवं अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक पर्व विजयादशमी के इस पावन अवसर पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। आगे एक्स ऐप पर मुख्यमंत्री ने लिखा कि विजय के महापर्व के इस दिव्य अवसर पर प्रभु श्री राम से सभी के कल्याण, सभी के उत्थान, समृद्धि एवं प्रसन्नता की मंगल कामना करता हूं। और इसके साथ ही हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने सरबजोत सिंह की उन्हें उपलब्धि पर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। दरअसल सरबजीत सिंह ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो मुख्यमंत्री ने एक्स ऐप पर यह लिखा है, शानदार सरबजोत। आगे उन्होंने लिखा, हरियाणा के लाल सरबजोत सिंह ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आगे उन्होंने लिखा है कि इस उपलब्धि के लिए मैं आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए मंगल कामना करता हूं कि आप ओलंपिक में भी देश के लिए पदक जीत कर लाए। और वहीं इसके साथ ही हरियाणा के रोहतक में 25 अक्टूबर को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य स्तरीय मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन यह किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य भर के प्रत्येक ब्लॉक और शहरी स्थानीय निकाय से एकत्र की मिट्टी का उपयोग करके इस उद्यान में पौधे लगाएंगे। हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई पहल वो लगातार करते आ रहे हैं, और इन सबको देखते हुए रोहतक में सांझी उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन ये 15 अक्टूबर को किया गया था। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले ग्रामीणों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और सांझी उत्सव को सम्पन्न किया गया। हरियाणा वो प्रदेश है जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की छवि वर्तमान शासन में और भी ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों और व्यवस्था के बीच सुगमता के वो रास्ते गढ़े गए हैं, जहाँ से होकर नागरिकों तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है, जिसके वो वाकई में हकदार हैं। इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों के लिए विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए परिवारों के पहचान पत्र के जरिए लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार,
और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है, ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब हम प्रदेश के हर नागरिक और हर परिवार उसका डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, और सर्वे कराने के बाद हर परिवार का सोशो इकोनॉमिक स्थिति स्टेशन क्या है और उसके आधार पर उसको किस किस योजना का लाभ लेने का वो पात्र है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, वो जो पात्र होगा उस पात्र को ही सबसे पहले उस योजना का लाभ मिलेगा। अगर मेरिट इसकी हमको बनानी होगी तो वो रिवर्स इकोनॉमिक जो उसका स्टेटस है वो उसकी मेरिट होगी। सबसे ज्यादा जो कम आय वाला व्यक्ति होगा वो सबसे पहला पात्र होगा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। 1 लाख परिवार उसकी सिलेक्शन वो हमने शुरू कर दी है। लगभग 12-13 हजार परिवारों का आय का जो जो मूल्यांकन है, आय का वेरिफिकेशन है, वो हमारे पास होके आ गया है। साथ साथ आता रहेगा, साथ साथ हम काम करते रहेंगे। लगभग 1 लाख परिवार की पहले चरण के अंदर ये हमारी योजनाएं होंगी। उसमें 8-10 तरह के काम डिपार्टमेंट्स ने मिलके सोचे हैं, जिसमें उनकी ऑप्शन ली जाएगी कि वो क्या काम करना चाहता है। वो कहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति होंगे इसमें, सामान्यतः जो अनपढ़ गरीब परिवार हैं वो ही ज़्यादा होंगे, और उनको जो काम करने लायक खास करके मजदूरियां हैं, कई तरह की ठेकेदारी की मजदूरी है, कहीं मनरेगा का काम है, कहीं पंचायत में तरह तरह के काम हैं, या इंडस्ट्री के अंदर इस प्रकार के लोगों की प्राइवेट नौकरियों की जरूरत पड़ेगी तो वो उनको ऑफर करेंगे। कुछ इंडस्ट्री के लोगों से हमारा तालमेल कर भी लिया हमने, और जहाँ कहीं सरकार में आवश्यक होगा, उसकी इतनी योग्यता किसी की होगी तो सरकार में देंगे। कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते अपना रोजगार करना चाहता है, मानो कोई दो पशु बांध करके दूध का काम करना चाहता है तो उसको आर्थिक सहायता उसकी वो कराएंगे, बैंक से कराएंगे। बैंक से बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत सी ये जो माइक्रो फाइनेंस के सिस्टम्स हैं बहुत एजेंसियों के, उनके साथ हमने बातचीत की है, उनका हम भी जो है अपने सिस्टम से उनको सहायता कर सकते हैं। अर्थात कोई भी परिवार जिसकी न्यूनतम आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जरूर हो, ऐसी योजना पर हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर। 1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। शिरोमणि गुरु रविदास जी के 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ज्यादा धन कमाने का लाभ।
अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को, युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने करीब 9 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। आज हरियाणा की छवि देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होती जा रही है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह साबित करके दिखा दिया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से काम किए जा सकते हैं, जिससे आम जनमानस तक लाभ पहुँच सके। देखिए मनोहर सरकार के करीब 9 साल के विकास कार्यों से जुड़ी हमारी यह खास रिपोर्ट। किसी भी प्रदेश और देश के लिए उन्नति का मतलब केवल विकास कार्यों या भौतिक विकास तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज हित और एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए काम करना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। इस जिम्मेवारी की पूरी तरह से सही मायनों में चरितार्थ करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिखाया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है। मनोहर सरकार ने पिछले करीब 9 सालों हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है।
सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने आम जन के जीवन को सुगम बनाने की जो पहल की थी, उसे आज आम जनमानस तक घर बैठे सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईटी का प्रयोग करते हुए बड़ा व्यवस्था परिवर्तन कर राजकाज की व्यवस्था को ऑनलाइन किया। सरकार ने ग्राम स्तर तक अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र खोले, जिससे नागरिकों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली। आज इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेशवासियों को 50 से अधिक विभागों की 680 से अधिक योजनाएं और सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, सामाजिक परिवेश में परिवार एक इकाई होता है, इसीलिए परिवार की पहचान के लिए मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा एकत्रित किया गया और हर एक सदस्य की आय, रोजगार, सभी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर दर्ज है, जिसके आधार पर सरकार ने आय सीमा के अनुसार प्रदेश के अति गरीब परिवारों को सदस्य के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक को आधार मानते हुए मुख्यमंत्री ने 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को जो नारा दिया है, उसे सही मायनों में पूरा करके भी दिखाया। हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छाई करने, अच्छी बातें करनी हैं, उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने अमूलचूल परिवर्तन किए। साल 2014 के बाद लगातार शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की और स्कूलों में अच्छा स्टाफ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने डिजिटल माध्यम से कक्षाएं लगाई, साथ ही स्कूलों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया और निजी स्कूलों की भांति सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा मिली। इसके लिए संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किए गए। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने आईटी के युग में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 5 लाख मुफ्त टैबलेट प्रदान किए हैं, ताकि बच्चे आज के युग के साथ आगे बढ़ सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय लक्ष्य यानी वर्ष 2030 से पहले वर्ष 2025 में हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और 2025 तक ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले लगभग 9 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया, गांव स्तर तक हेल्थ सेंटर स्थापित किए, ताकि हर नागरिक को इलाज की सुविधा सुगमता से मिल सके। चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। साल 2014 में जहां प्रदेश में केवल 700 MBBS की सीटें थी, राज्य सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान नए मेडिकल कॉलेज खोलकर MBBS की सीटें को 1835 तक लाने का काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से MBBS की सीटों की संख्या 3000 तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि एक बेटी के पढ़ने से उनके परिवार की कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। इसी वाक्य को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाया।
जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में लगातार लिंगानुपात में बेहतर सुधार हुआ। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को स्थानीय सरकारों में और अधिक अधिकार देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, पुलिस में भी महिलाओं की संख्या को 15% तक ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने राज्य में 33 नए महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के अति गरीब परिवारों और नागरिकों के उत्थान का जो संकल्प लिया था उसे पूरा भी किया। किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में कुछ देने की प्रथा के विरुद्ध उन्हें स्वावलंबी बनाने के वचन के अनुरूप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लागू किया, जिसके तहत प्रदेश के ऐसे अति गरीब परिवार जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है उनकी आर्थिक उत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंकों के जरिए आज लगभग 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है, जिससे लोगों ने स्वरोजगार स्थापित किए। ये लोग आज 15,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह आय अर्जित कर अपने परिवार को संभाल रहे हैं। इन 9 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समाज कल्याण और नागरिकों के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए उतनी शायद पहले किसी भी सरकार ने शुरू नहीं की। 2014 के बाद से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य ने हर क्षेत्र में जितनी तेज गति से प्रगति की है, इस राह में प्रदेशवासी भी एक नए हरियाणा का गवाह बने हैं। आज समाज का हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण और पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता से आश्वस्त नजर आता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था कि हरियाणा में जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है सी 30 जून 2022। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से यशपाल सिंह। यशपाल, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए, वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्स से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है रेणु सोगन, जो कि नूह से ADC के पद पर काबिज है। सुन लेते हैं। टीचर्स से मुहिम करी है कि वो बच्चों को जागरूक करें साइबर सिक्योरिटी के मामलों के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब का रैम्पेंट यूज हो रहा है, तो बच्चों के ऊपर इन सोशल मीडिया साइट्स या फिर कोई और वेबसाइट्स का नेगेटिव फर्क ना पड़े। तो इस चीज के लिए हमने मुहिम लगाई है कि प्रिंसिपल्स अपने स्तर पर SMCs में और जो पेरेंटेज इन मीटिंग्स होती हैं, बालिका मंच, इन सब में इन मुद्दों को उठाएं। दूसरा, मैंने अपनी ओर से कोशिश करी है कि मेंस्ट्रुएशन को लेकर मतलब स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम्स जारी हों, ताकि बच्चियां हमारी जो हैं इनकी हेल्थ के ऊपर भी मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए पूरे नू में। MDA के द्वारा काफ़ी सारे स्कूल्स में वेंटी मशीन्स इंस्टॉल की गई थी, जिसमें सैनिटरी पैड्स रखे गए थे, उनकी देख रेख के लिए कि मैंने निर्देश दिए हैं सारे हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स को। तो बेसिकली यही था कि जो इंटरनेट है और मोबाइल फोन्स हो गए, कंप्यूटर, इसका इस्तेमाल करें, लेकिन एक लिमिटेड कैपेसिटी में, इतना नहीं कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर। तो चलिए, वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर।
जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना कब शुरू की गई थी? ए 11 जनवरी 2019, बी 13 जनवरी 2030, सी 15 जनवरी 2010, डी 12 जनवरी 2015। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।